हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैन इरिगेशन शेयर के ऊपर। इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे वेलस्पन लिविंग शेयर के ऊपर भी। दोनों ही स्टॉक में एक अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे का क्या वजह है और साथ ही साथ क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसा रहा जैन इरिगेशन का, इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल, साथ ही साथ अगर किसी स्टॉक में एक अच्छा चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है या चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है, तो उन सभी स्टॉक्स को भी हम लोग यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, साथ ही साथ ट्विटर पे भी अपडेट करते हैं। तो आप जहाँ भी कंफर्टेबल हो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाइव मार्केट में भी अपडेट मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे कि आपको एग्जैक्ट कॉल्स मिलेगा, किस लेवल पे एंट्री करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस और टारगेट होने वाला है, कब एग्जिट करना है, तो फिर जो है आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 30% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा अगर अभी आप इसको ज्वाइन करते हैं। इन केस अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, जो लास्ट 2 मंथ में कैसा परफॉर्मेंस रहा, तो मैंने सारा डिटेल जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दिया है। आप जाके चेक कर सकते हैं जो कब कौन से स्टॉक को कितने लेवल पे दिया, क्या टारगेट हिट हुआ नहीं हुआ, इन सभी पॉइंट्स को आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे जैन इरिगेशन शेयर के ऊपर। जैन इरिगेशन के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। फ्राइडे के सेशन में भी स्टॉक जो है 2.5% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन आपको 10% नीचे क्लोज हुआ है, और लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है साइडवेज ट्रेड कर रहा है। चार्ट में भी क्लियरली हम लोग देखेंगे तो एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन वीकली बेसिस पे देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक कहाँ तक फॉल हो सकता है इसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है, और रिजल्ट अगर देखेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किया है। 1727 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे सेल्स पोस्ट किया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करेंगे सेम क्वार्टर के अगेंस्ट में, तो यहाँ पर रेवेन्यू में जो है मामूली गिरावट जो है ऑलमोस्ट 1.5% का गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन जो एक अच्छा इंपॉर्टेंट बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये यहाँ पे आपको काफ़ी इंक्रीज हुआ है। 50% से ज़्यादा का मार्जिन जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, और इसी वजह से जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोगों को ऑल्दो सेल्स डिक्रीज हुआ है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की वजह से जो है यहाँ पे लॉस हुआ है, 56 करोड़ का लॉस हुआ है अदर इनकम में। इंटरेस्ट भी जो है यहाँ पे आपको 106 करोड़ का लगा है, और इसी वजह से देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो आपको लॉस हुआ, यानी कि नेट कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है इस क्वार्टर में। प्रीवियस 4 क्वार्टर से लगातार कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर रहा था, बट वंस अगेन जो है कंपनी यहाँ पे लॉस पोस्ट किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे तो एक अच्छा डिक्रीमेंट हम लोगों को नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। उसका जो सबसे बड़ा वजह है वो ये वजह है, जो प्रीवियस 2 ईयर से लगातार अदर इनकम में एक बहुत ज़बरदस्त तेजी देखने को मिला था वो अभी इस ईयर में नहीं देखने को मिला, और इसी वजह से कंपनी जो है 43 करोड़ के प्रॉफिट के साथ ईयर को क्लोज किया है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो प्रोमोटर के पास 26.12% का है, FII के पास 5.46% है। FII ने यहाँ पे 0.14% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। DII का जो है 0.02% से स्टेक डिक्रीज हुआ है, और रेस्ट आपको पब्लिक के पास है 58.73%। चलिए बात कर लेते हैं चार्ट्स के ऊपर। अगर हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे तो मंथली कैंडल जो है क्लोज होने वाला है नेक्स्ट वीक में। स्टॉक में हम लोगों को एक गिरावट देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने एक मल्टी ईयर रेसिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक जो है नवंबर 2018 में इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया था, और उसके बाद से लगातार जो है स्टॉक इस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अभी तक स्टॉक जो है इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करना होगा, 75 के लेवल को। तो जब तक स्टॉक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है यहाँ पे हम लोगों को तेजी देखने को नहीं मिलेगा।
तो बेटर होगा अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है तो यहाँ पे जो है आप वेट करेंगे 75 के लेवल का क्रॉस होने का। अब बात आता है जो स्टॉक कहाँ तक नीचे गिर सकता है। नीचे की साइड में अगर बात करेंगे तो सपोर्ट जो है वो आपको 47 से 50 के जोन में है। स्टॉक अगर नीचे की साइड निकलता भी है तो ये एक बेहद अहम सपोर्ट जो है ना 47 से 50, जब तक ये आपको ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक स्टॉक में हम लोगों को ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। एक जरूर यहाँ तक गिरावट देखने को मिल सकता है 50 के लेवल तक, वापस से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से अभी जो है आपको यहाँ पे बेच के भी नहीं निकलना है और ना ही फ्रेश बाइंग करना है। फ्रेश बाइंग का अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा, अगर स्टॉक नीचे की साइड में आता है और नीचे की साइड में आने के बाद अगर स्टॉक यहाँ पे आपको कोई भी एक पॉजिटिव साइन शो करता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऊपर की साइड में एक 50% तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और एक बार अगर 75 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर जो है इस स्टॉक में हम लोगों को 100 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। बात करेंगे अगर हम लोग सेकेंड स्टॉक की, तो सेकेंड स्टॉक है वेलस्पन लिविंग शेयर। वेलस्पन के शेयर में अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है एक अच्छा रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। स्टॉक जो रेसिस्टेंस फेस कर रहा है वो फेस कर रहा है 170 के लेवल पे। लगातार स्टॉक जो है इस लेवल पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ पे स्टॉक ने फॉर्मेशन किया, बट उसके बाद से लगातार जो है स्टॉक नीचे की साइड में सपोर्ट ले रहा है 133 के लेवल पे, और ऊपर की साइड में स्टॉक सपोर्ट रेसिस्टेंस फेस कर रहा है 170-171 के लेवल पे। ये स्टॉक भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है तो बेटर होगा यहाँ पे भी हम लोग वेट करेंगे। अगर स्टॉक नीचे की साइड में 133 के नीचे निकलता है तो इस स्टॉक में और फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है। सबसे पहला सपोर्ट ये स्विंग लो होगा और इसके नीचे जो है स्टॉक फिर 100 के लेवल तक भी जा सकता है। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पे 170 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो एक बड़ा टारगेट इस स्टॉक में मिल सकता है। ऊपर की साइड में जो है हम लोगों को 275-300 ये सभी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो टारगेट होता है ये डेप्थ। यहाँ पे जो ये डेप्थ है ये आया तकरीबन आपको 100-110 पॉइंट का, यानी कि ऊपर की साइड में जो है 275-285 ये सभी लेवल्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you.